हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट चलो स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत। और यह वीडियो सबसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को क्या कीजिएगा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन के साथ सारा सिलेबस भी कम्प्लीट करवाया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा रिजल्ट कब आएगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि आप लोग का एग्जाम ही मतलब कि थोड़ा बहुत तो ज़्यादा कम हुआ ही है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका रिजल्ट का प्रश्न रह गया, और दूसरा प्रश्न एडमिशन कब होगा। ये दोनों चीज़ के बारे में पूरा करेक्ट जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा करेक्ट आप लोग को मतलब कहीं नहीं पता चल सकता, आप लोग को यूनिवर्सिटी वाला भी नहीं बता सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा करेक्ट। तो चलिए सुन देखते हैं, सबसे पहली बात कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। देखिए, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है और आता भी है, ठीक है, 62-63 दिन लगते हैं, 62 या 63 दिन लगते हैं अक्सर, ठीक है, रिजल्ट आने में। तो आप लोग का 22 या 21 सितंबर को ख़त्म हुआ है, तो आपका अगर 2 महीना मान लिया जाए तो नवंबर चल जाएगा, 21 नवंबर या 22 नवंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का नवंबर चल गया, नवंबर मान लीजिए हम 22 नवंबर ही बोल रहे हैं, तो उसमें हो सकता है 10 दिन आगे भी चल जाए, 10 दिन पीछे भी, लेकिन इससे ज़्यादा 1 महीना का डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर होगा भी तो 1 ही महीना का होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस आप लोग का किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग का रिजल्ट का बात क्लियर हो गया। अब देखिए, एडमिशन, एडमिशन में पैसा भी लगता है, ठीक है। एडमिशन में क्या क्या लगता है? पैसा लगता है। सुनो, देखिए, सरकारी, एक होता है सरकारी कॉलेज, एक होता है प्राइवेट कॉलेज। सरकारी कॉलेज में सुनो पैसा कम लगता है, और प्राइवेट कॉलेज में पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में पैसा ज़्यादा लगता है, सरकारी कॉलेज में पैसा कम लगता है। सरकारी कॉलेज में जैसे सुनो संत कोलम्बस हो गया, फिर गिरिडीह कॉलेज हो गया, ये सारा कुछ क्या है? सरकारी कॉलेज है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज का नाम बता दें, PN कॉलेज हो गया, और घाघरा इंटरसेंस शायद शायद इसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन देखिए, पहला PN कॉलेज हो गया, पक्का पता है हमको, और सरिया कॉलेज हो गया, ये भी हमको पक्का पता है। तो ये सारा कुछ कॉलेज क्या है? प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो दो मतलब दोनों का आप स्पेशल नाम भी है। देखिए, सरकारी को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम से, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम से जाना जाता है। और प्राइवेट को जाना जाता है अफिलिएटेड, ठीक है, अफिलिएटेड के नाम से जाना जाता है, ये दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो अफिलिएटेड में यानी प्राइवेट कॉलेज होता है, उसमें सारा सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ता है, यानी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। और जो आप लोग का सरकारी कॉलेज रहता है, इसमें सिर्फ मतलब जितना साल है साल भर में एक ही बार, यानी कि सेमेस्टर 1 में लिए, उसके बाद 3 मिलेंगे, उसके बाद 5 मिलेंगे, उसके बाद 7 मिलेंगे, ठीक है, एक एक सेमेस्टर छोड़ के, क्योंकि एक साल में एक ही बार लेना है, ठीक है, एक साल यानी 4 साल का है तो 4 बार, ठीक है। तो कितना लगता है सरकारी कॉलेज का हम बता सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हम पढ़े नहीं हैं, ठीक है। सरकारी कॉलेज में मेरा लगा था 1632 रुपया करके लगा था, जो कि मेरा था मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें लगा था। और बहुत पहले के बाद थोड़ा चेंज भी हो गया होगा, हो सकता है 2000 हो गया होगा या 2500 हो गया होगा, तो इससे ज़्यादा नहीं लग सकता सरकारी कॉलेज में, ठीक है, यानी आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में यानी सरकारी में ही, ठीक है, जैसे कि गिरिडीह कॉलेज हो गया, संत कोलम्बस हो गया, इस तरह से, ठीक है, ये सारे कॉलेज में। अब देखिए, अफिलिएटेड में क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है 5000 तक लग जाए, क्योंकि इसके बारे में हमको करेक्ट जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं आप लोग को करेक्ट, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। तो असल 5000 तक लग सकता है, ऐसा हम सुने हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपका एडमिशन का फीस के बारे में बात होगी, एडमिशन कब होगा असल, तो रिजल्ट जब आएगा ना, तो उसके 1 सप्ताह पहले एडमिशन करवाने का एक नोटिस आ जाएगा कि इतना तारीख से आप लोग को एडमिशन करवाना है कॉलेज जाकर, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन का बात होगी, ऑनलाइन नहीं होता है अब एडमिशन, ठीक है, अब कॉलेज जाकर ही करवाना पड़ता है, जैसे पिछली बार हुआ था सेमेस्टर 3 वालों का, ठीक है, पिछला साल सेमेस्टर 3 वालों का हुआ था, कॉलेज जाकर ही करवाना था, ठीक है, कॉलेज में स्पेशल बैंक भी होता है, तो वहीं पर करवाना होता है, ठीक है। ये आपका हो गया एडमिशन का बात, कैसे करवाना है। तो एडमिशन में आप लोगों को सब्जेक्ट भी एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म का भी लगता है 100 रुपया या 200 रुपया इस तरह से लगता है, ठीक है, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें फ़ोटो वगैरह लगाना पड़ेगा, आधार नंबर लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा, 10वां में क्या नंबर था वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें सब्जेक्ट का नाम चूज करना पड़ेगा, जैसे MDC में क्या लेना चाहते हैं आप, माइनर में क्या लेना चाहते हैं, और वगैरह वगैरह। तो ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है, फोटो लगेगा, साइन लगेगा, ये सारा कुछ लगेगा उसमें, और बस इतना ही लगेगा उसमें एडमिशन फॉर्म भरने में, और उसको जमा कर देना पड़ेगा, पैसा भी कटेगा उसमें, बता ही दें कितना लगेगा सो, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन का प्रक्रिया हो गया, और कब होगा, रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग का एडमिशन फॉर्म भरा सकता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट आएगा तभी आपको आप लोग का मार्कशीट आएगा तभी हम मार्कशीट भी चाहिए होता है, ठीक है, एडमिशन के टाइम। तो मार्कशीट आप लोग नहीं दीजिएगा थोड़ी ना एडमिशन होगा,
तो मार्कशीट भी जब रिजल्ट आएगा तभी मार्कशीट आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग का एडमिशन होगा, तो एडमिशन भी उसी टाइम होगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसी वीक में, ठीक है। तो ये आप लोग का दोनों क्लियर हो गया सेंस, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जानकारी कुछ छोटा नहीं है कि आप लोग को नहीं बताएं, सारा जानकारी बता दीजिए सेंस, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को तैयारी करने का बारे में हम नहीं बताएं, तो तैयारी कीजिए सेंस, अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप लोग के पास समय अब नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग को सेमेस्टर 2 में समय मिल गया, बहुत ज़्यादा मिल गया, लेकिन इस सेमेस्टर 3 में नहीं मिलने वाला उतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है उसमें कम ही रहता है, ठीक है, और किसी भी तरह से मैनेज किया जाता है। 6 ही महीना के अंदर आप लोग को पढ़ना है और एडमिशन वगैरह करवाना है और फिर रिजल्ट भी दे देना है और परीक्षा भी ले लेना है 6 महीना के अंदर ही, तो आप लोग समझ सकते हैं 3-2 महीना तो लग जाता है रिजल्ट आने में सर। अब 6 में मान लीजिए 2 घटा दीजिए, 6 में 2 घटा दीजिए, 4 बचा, 4 में आप लोग को रिजल्ट मतलब कि एडमिशन करवाना है, फिर एडमिशन करवाना है, 1 महीना एडमिशन में चल गया, बचा 3 महीना। अब 3 महीना में सुन आप लोग क्या कीजिएगा, 3 महीना में मान लीजिए 1 महीना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में लगा दिए, 15 दिन लगता है, ठीक है, और एक रिजल्ट मतलब एडमिट कार्ड आने में, तो आपका बचा 2 महीना। तो 2 महीना में सुन आप लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है, और इस तरह डिवाइड किया जाएगा तो होगा, ठीक है। इंटरनल एग्जाम में भी 1 महीना चल जाता है, तो आप लोग मतलब 1 महीना एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ उसके साथ है आप लोग पढ़ भी तो पाते हैं, पढ़ते भी तो हैं, जैसे एडमिशन हो रहा है तो उस समय रात को तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो उस तरह से आप लोग मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में सारा सिलेबस कम्प्लीट भी करवाया जाता है, CSR का प्राइवेट ग्रुप्स में स्पेशली पूरा कम से कम मतलब कि कम से कम प्राइस में मतलब कि फीस में आप लोग के लिए अवेलेबल करवाएं, तो आप लोग के लिए करवाएं सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें मतलब कि कुछ ज़्यादा तो किए नहीं सर, आप लोग के लिए किए, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी सर यही सारा कुछ प्रक्रिया है जो आप लोग को बता दिए, रिजल्ट कब आएगा पता ही चल गया, ठीक है, दिसंबर के पहले ही आ जाएगा और नवंबर में ही आ जाएगा, ठीक है, अक्टूबर के बाद ही आएगा, ये भी है गारंटेड। तो सर ये सारा कुछ प्रक्रिया है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, और कुछ मन प्रश्न उठ रहा हो जरूर से कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिल्म के नेक्स्ट के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।